What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to IFL. तवा पनीर बना रहा हूँ. पनीर की तो कई सारी डिशेस इस चैनल पर ऑलरेडी बना चुका हूँ, पर तवा पनीर पहली बार बना रहा हूँ इस तरीके का. ये बहुत ही ब्यूटीफुल रेसिपी, एकदम ढाबा स्टाइल, एकदम स्ट्रीट स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है और बहुत ही मज़ा आता है इसे खाने में. अगर आप पनीर पसंद करते हैं, आप वेजिटेरियन हैं, तो ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है. तो तवा पनीर कैसे बनता है वो देख लेते हैं. तो तवा पनीर की ग्रेवी पहले बनानी है, तो उसके लिए एक पैन के अंदर 2-3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दीजिए. एक बार ऑयल गरम हो जाए तब इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 हरी इलायची, 2-3 लौंग, 2-4 साबुत काली मिर्च, 1/2 इंच दालचीनी, 1 तेज़पत्ता. अब 3-4 स्लाइस किए हुए प्याज इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ. अब सारे इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए. अब इसके अंदर 1 इंच अदरक, 7-8 कलियाँ लहसुन की और कुछ धनिए की डंठल इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ. ये सारी चीज़ों को अभी मिक्स करने के बाद आपको प्याज को अच्छे से भूनना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए. लहसुन और अदरक को मैंने बिना चॉप के ही ऐड किया है, क्योंकि बाद में इस मसाले को हम पीस करके ग्रेवी बनाने वाले हैं. तो इसे रेगुलर इंटरवल्स में मिक्स करते हुए प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक आप अच्छे से भून लीजिए. एक बार प्याज आपका भून जाए तब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करने हैं. तो फ्लेम लो करके इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून काला नमक. अब इसके अंदर हल्का सा गर्म पानी ऐड कर दीजिए ताकि आपके जो मसाले हैं वो जले नहीं. अब मसालों को आपको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना. एक बार आपके मसाले अच्छे से भून जाएं, तब इसके अंदर 1 स्लाइस की हुई कैप्सिकम, 3 मीडियम साइज के टमाटर, 2-3 चॉप की हुई हरी मिर्च, टेस्ट के हिसाब से नमक और 2-3 काजू, ये ऑप्शनल है, 2-3 काजू ऐड कर दीजिए. अब अच्छे से आपको सारी चीज़ों को स्टर कर लेना है. स्टर करने के बाद इसमें अभी मैं 100-150 ml गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ. पानी ऐड करने के बाद आप इसे ढक कर 4-5 मिनट के लिए पका लेंगे. चार से पाँच मिनट के लिए मैंने ढककर पका लिया है. इस स्टेज पर आपको गैस को बंद कर देना है और इस मसाले को अच्छे से ठंडा कर लेना है. एक बार आपका मसाला अच्छे से ठंडा हो जाए, आप चाहें तो इस स्टेज पर दालचीनी और तेज़पत्ते को निकाल सकते हैं पीसने से पहले. अब इन मसालों को हमें पीस लेना है, तो एक मिक्सर ग्राइंडर में इस मसाले को ट्रांसफ़र कर दीजिए. साथ ही में थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दीजिए पीसने के लिए और एक फाइन पेस्ट में इस मसाले को पीस लीजिए. आप देख सकते हो मैंने मसाले को अच्छे से पीस लिया और हमारी ग्रेवी जो है तवा पनीर की वो रेडी हो गई है. तो एक ढाबा स्टाइल ग्रेवी मैंने तैयार कर ली है. इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डर्टी ब्राउन होता है, लेकिन जब भी हम इसे कुक करेंगे अच्छे से इसका कलर एकदम निखर के आ जाएगा. अभी इसका एक तड़का देना है. तड़का देकर तवे के ऊपर एक तवा पनीर बनेगा. वो कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं. अब एक तवे को अच्छे से गर्म कर लीजिए. फिर तवे के ऊपर 2 टेबलस्पून यहाँ पर देसी घी ऐड कर रहा हूँ. घी एक बार गर्म हो जाए तब इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज, 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक, 1 इंच जूलियन किया हुआ अदरक यानी अदरक के लच्छे, 2-3 स्लाइस की हुई हरी मिर्चें. ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से स्टर कर लेना है और प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है. एक बार प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करने हैं. 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पर ऐड किया है. मसाले ऐड करके अच्छे से स्टर कर लीजिए. अब इसके अंदर ग्रेवी ऐड करनी है, तो हमने जो ग्रेवी तैयार की थी वो ग्रेवी इसमें ऐड कर दीजिए. ग्रेवी ऐड करने के बाद आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब इस ग्रेवी को इस तड़के के साथ 10 मिनट तक कुक करना है तवे के ऊपर. ये जो तवे पे जब आप कुक करते हो तो ये तवे वाली आइटम की जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, जो टेक्स्चर है, वो एकदम अलग आता है. तो तवा अगर आपके पास है तो मज़ा आएगा, तवे पर ही पकाइए. अगर आपको लगता है कि ग्रेवी ज़्यादा ड्राई हो गई है तो थोड़ा सा गर्म पानी इसमें ऐड कर सकते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करके इसको फर्दर कुक कर सकते हैं. अब आप देख सकते हो मैंने ग्रेवी को अच्छे से पका लिया है 10 मिनट तक. ये काफ़ी डार्क भी हो चुकी है और इसमें तेल भी छूट चुका है. अभी इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, तो एक पैन के अंदर 1 टीस्पून घी डालिए. घी आपका एकदम अच्छे से गर्म हो जाए. इसमें डाइस किया हुआ 1 मीडियम प्याज और डाइस की हुई 1 मीडियम कैप्सिकम ऐड कर दीजिए. अब हाई फ्लेम पर बस 30 सेकंड के लिए आपको टॉस करना है. शिमला मिर्च और प्याज आपका एकदम क्रंची रहना चाहिए, इस बात का आप ध्यान दीजिए.
टॉस की हुई वेजीज को अब मैं ग्रेवी के अंदर ऐड कर रहा हूँ, साथ ही में 250 ग्राम डाइस किया हुआ पनीर, एक लार्ज चुटकी गरम मसाले की, एक लार्ज चुटकी भुनी हुई कसूरी मेथी, खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया, और अब यहाँ पर 25 ग्राम पनीर जो है वो मैं ग्रेट करके ऐड कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, वो थोड़ा ढाबा वाला फील आ जाएगा, थोड़ी आपकी जो ग्रेवी है वो रिच बन जाएगी। अब सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ध्यान दीजिए कि हल्के हाथों से मिक्स करना है, पनीर जो है आपका टूटना नहीं चाहिए। बस कुक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, नमक चेक कर लूँगा यहाँ पर मैं, नमक एकदम परफेक्ट लग रहा है इसलिए और नहीं ऐड कर रहा हूँ। अब लास्ट में फिनिश करने के लिए थोड़ा सा और इसमें फ्रेशली कटा हुआ धनिया ऐड कर दीजिए, और आप देख सकते हो हमारा तवा पनीर रेडी हो गया है। इसे सर्व कर लेते हैं YFL स्टाइल। तवा पनीर हमारा बन गया और बहुत ही डिलिशियस बनता है, एकदम टेस्टी बनता है। इसे चटनियों के साथ रुमाली रोटी या तंदूरी रोटी के साथ सर्व कीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। और ये तवा पनीर की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है आपने, और मुझे कमेंट्स में बताना है आपको कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल तवा पनीर रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।